शहरी बजट के हवाले से मिलीजुली राय रखते हैं। कुछ इसको अवाम दोस्त बजट करार दे रहे हैं, कुछ का कहना है हमेशा की तरह ये बजट अवाम के लिए नए मसाइल लेकर आएगा। हम इस बजट से मुतमिन नहीं है घर में। इस बजट के अंदर आम आवाम के लिए तो कोई ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिस पर हम हुकूमत के शुक्र गुजार हों। इस बजट के अंदर ना गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए ना गवर्नमेंट मुलाजमीन के लिए कोई रिलीफ दिया गया है, ना तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं, ना पेंशन बढ़ाई गई हैं। ये आवाम का बजट नहीं है, ये उन लोगों का बजट है जिन्हें बजट से फ़ायदा होता है। ये पाकिस्तान में पीटीआई की गवर्नमेंट ने दो साल से एक नया रुझान दिया है कि ये सहमाई बजट पेश कर रही है, और आप देखेंगे कि सितंबर के अंदर आपको एक नया बजट आपके सामने होगा। बजट से पहले भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, अब भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। पहले भी चीज़ें महंगी थी, अब कोरोना की वजह से और महंगी होगी, अब बजट के बाद और महंगी होती जाएंगी। मेरी नज़र में ये कोई इतना बुरा बजट नहीं है, क्योंकि में जिस तरह के साथ मसाइल दर पेश हैं, IMF की तलवार कब से हमारी गर्दन पे लटक रही है और आगे भी ये लटकती नज़र आ रही है, क्योंकि हम कर्जे को उतारने के लिए कर्जे ले रहे हैं। और दूसरी बात, हमें साथ साथ देखना चाहिए जो कोरोना का हमारा सीन चल रहा है, हमने उसको भी टैकल करना है।